हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर सीखो हिंदी में। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारी ये निडल है, जब हम मशीन चलाते हैं तो ये वर्क नहीं कर रही है, ये ऊपर नीचे नहीं हो रही है, तो हमारी जो यहाँ पर सिलाई नहीं हो पा रही है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि इसको कैसे सही करना है। जैसे कि मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ कि हमारा मशीन जो है वर्क नहीं कर रही है, चला के दिखा देता हूँ, तो आप बने रहिएगा और ध्यान से देखिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप जैसे देख रहे हैं चल गई है, यह हमारी मशीन काम कर रही है और जो हमारी निडल वर्क नहीं कर रही है, ये देखिए। तो मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे सही करना है, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो पे बने रहिएगा और प्लीज़ इसको स्किप नहीं कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसमें ज़्यादा कुछ काम नहीं करना है, सिर्फ थोड़े से जो है मेंटेनेंस से ही आपकी जो है मशीन, सिलाई मशीन ठीक हो जाएगी। तो बने रहिएगा, आप देखते रहिए हमारी वीडियो को। सबसे पहले जो है हमें कुछ चेक कर लेने हैं, जैसे हमारी निडिल वगैरह सही से लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है, कहीं हमारी निडिल लूज़ तो नहीं, जिसकी वजह से हमारे जो वर्क नहीं कर रही है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारी निडिल एकदम ओके लगी हुई है और धागा भी एकदम सही सेट है। हम इसको धागे को सेट करके निकाल देते, पीछे से सेट कर लेते सही से। इन दोनों धागों को पता ही होगा कि यहाँ से बीच में से निकालना होता है, तो इसको निकाल चुके हैं। अब इसको हम नीचे सेट कर देंगे। फर्स्ट स्टेप तो हमने ये करके चेक करके देख लिया है, तो हमारी निडल एकदम ओके लगी हुई है। और जो सेकंड स्टेप में देखिए, जैसे कि ये व्हील है, इसको हमें चेक करना है कि हमारी प्रॉपर, इसको जो है घुमा के देखेंगे राइट हैंड साइड पे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारे व्हील के साथ साथ ये भी घूम रहा है, और इसको टाइट कर लेना। अगर आपको चेक कराया था हूँ, जैसे कि आप देखते हैं, हम मशीन दोबारा स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ हमारी मशीन सही हो चुकी है और सही से काम कर रही है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने कि हमने कितने सिंपल स्टेप से मशीन को, अपने सिलाई मशीन को ठीक कर दिया है। तो ऐसी अच्छी वीडियो पाने के लिए आप दोस्तों मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।